वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू आवर एमबीए क्लास। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेल्थ न्यू सिलेबस चैप्टर सेकंड मैट्राइसिस एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हमने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया था, और जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम देखेंगे। जहाँ पर पिछले लेक्चर की मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमने बेस देखा था और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। तो बेस में हमने क्या था देखा कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस, जिसमें हमने इसके दो पार्ट देखे थे, इन्वर्जन एंड रिडक्शन मेथड्स। ओके, एंड देन क्या है, यहाँ पे हमने जो इन्वर्जन था वो उसका सॉल्यूशन हमने किया था, जो हमें आगे सम्स दिए गए थे। तो यहाँ पे अभी हमें क्या है, जो आगे क्वेश्चन है उसमें कौन सा मेथड यूज़ करना है हमको, रिडक्शन मेथड का यूज़। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हमें देख के क्या पता चलता है, वर्ड प्रॉब्लम है जो कि हम 10th में इसका सॉल्यूशन करते थे वे इक्वेशन के थ्रू। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, ए वर्ड प्रॉब्लम को पहले क्या करना है हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एंड देन क्या करना है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ पे आपको दो स्टेप का ध्यान रखना है, पहला क्या करना है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड देन मैट्रिक्स फॉर्म में। सिंपल, चलिए क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे और हम क्या करते हैं इसका जो इक्वेशन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है वो करते। देखिए यहाँ पे दिया गया है द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल। सिंपल, यहाँ पे क्या दिया गया, 4 पेंसिल, 3 पेन एंड 2 इरेजर्स। ओके, यहाँ पे हमें कितने एलिमेंट दिए गए, जो वेरिएबल एज हम यूज़ करेंगे 4 पेंसिल, 3 पेन एंड 2 इरेजर इज ₹60। तो ओके, यहाँ पे क्या है, इसका जो टोटल कॉस्ट है ये तीनों का वो कितना है, 60 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पेंसिल है एंड देन ये पेन है और यहाँ पे इरेजर है, इसको हम एक्स कंसिडर करेंगे, इसको वाई एंड इसको जेड, और हम क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे हमें कंसिडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए आंसर में लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच, मतलब हर एक का क्या क्या है, यहाँ पे पेंसिल है, पेंसिल्स, पेन एंड इरेजर्स। ओके, इरेजर्स क्या करेंगे, बी एक्स वाई एंड जेड। इसके बाद हमें क्या लिखना है, रिस्पेक्टिवली। देखिए रिस्पेक्टिवली लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिस्पेक्टिवली से क्या है मतलब होता है, यहाँ पे आपको समझना, मतलब यहाँ पे हर एक को अलग अलग करके ऐसा हमें अंडरस्टैंडिंग में सामने वाले को दिखाना है। ओके, रिस्पेक्टिवली मतलब क्या, यहाँ पे देखिए पेंसिल है, पेंसिल का क्या हो गया एक्स, पेन है तो वाई, एंड देन यहाँ पे इरेजर तो इसका जेड। तो इसके लिए हमें क्या, रिस्पेक्टिवली बाद में लिखना है, जिससे क्या हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा कंप्लीट। ओके, चलिए हमने क्या करना है, पहले जो इसका इक्वेशन है वो बना लेना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले जो हमें डाटा दिया गया, ओके, तो डाटा को पहले हम क्या करते हैं साथ में कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन इक्वेशन बनाएंगे। तो डाटा कलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉक्स में जो इनका डाटा है वो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। पहले क्या हमारा यहाँ पे पेंसिल है, देखिए मैंने अभी आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, हम साथ में सब पढ़ के लिखेंगे। ओके, एंड देन क्या है पेन, एंड देन क्या है इरेजर, और इसका हमें क्या करना है टोटल कॉस्ट कितना है वो भी यहाँ पे हर एक का दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हमारा इक्वेशन 1, देखिए यहाँ पे डॉट है, इसे हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो ख़त्म होता है। तो देखते हैं हमें क्या है यहाँ पे दिया गया, हमने क्या किया था, इसको जो पेंसिल था उसको हमने एक्स कन्वर्ट किया था, एंड देन क्या किया था पेंसिल को एक्स, एंड देन पेन को क्या किया था हमने वाई किया था, यहाँ पे ये वाई, एंड देन इरेजर को जेड, यहाँ पे टोटल कॉस्ट। ओके, यहाँ पे हमने ऐसा लाइन बना देना है, ओके, जिससे हमें क्या हो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में हो। चलिए हमें यहाँ पे जो जो डाटा दिया गया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 4 पेंसिल, यहाँ पे 4, ओके, यहाँ पे क्या है 3 पेंस, पेन कितने दिए गए 3 है, एंड देन क्या इरेजर कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2, ओके, इज ₹60। इनका टोटल कॉस्ट कितना दिया गया है 60, यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉस्ट में लिख देंगे 60। सिंपल, एंड देन चलिए नेक्स्ट देखते, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल कितना है, 2 पेंसिल, 4 पेन एंड देन 6 इरेजर्स, ओके, इज ₹90। इसका कितना दिया गया है 90, वेयर्स मतलब और भी द
कॉस्ट ऑफ सिक्स पेंसिल्स, मतलब यहाँ पे सिक्स पेंसिल हो गया, एंड देन यहाँ पे टू पेंस, एंड देन यहाँ पे थ्री इरेजर्स इज़ रुपीज़ 70। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70। देखिए इसका हमें कॉस्ट यहाँ पे, यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे ई ए, ओके, और जो वैल्यूज दी हमने यहाँ पे पुट कर ली। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी इसको हमें इजीली बाहर निकालना है। कैसे, इसको हम क्या करेंगे, 4x 3y, इसको इसके कोफिशियंट प्लस वेरिएबल के साथ यहाँ पे हमें इसे इक्वेशन में नीचे लिखना है। एंड देन उसके बाद क्या स्टेप रहेगा, इसका मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ओके चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे लिखते क्या होगा, यहाँ पे 4x, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3y, एंड यहाँ पे 2z। देखिए यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, मतलब यहाँ पे ये प्लस में, ओके, एंड देन क्या यहाँ पे इक्वल है किसको, 60। इनका जो टोटल कॉस्ट है कितना, 60। ये हमारा फर्स्ट हो गया, एंड देन हमारा सेकेंड, चलिए इसे भी लिखते 2x + 4y + 6z इक्वल्स टू कितना है, 90। एंड देन क्या यहाँ पे 6x + 2y एंड देन 3z, यहाँ पे +3z इक्वल्स टू कितना है, 70। ओके तो अब इसका हम मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे पहले मैट्रिक्स बॉक्स बनाएंगे सिंपल। यहाँ पे क्या देखिए, x y z, देखिए 3, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 3x3 का क्या होगा, जो मैट्रिक्स बॉक्स है वो बनेगा, सिंपल। एंड देन क्या यहाँ पे इसका जो वेरिएबल हमने देखा था पहले लेक्चर, अगर आपने वीडियो देखा है उसका जो हमने सॉल्यूशन किया था, तो आपको यहाँ पे इजीली, ओके, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ, सिंपल। एंड देन यहाँ पे क्या है, इसको हम मैट्रिक्स बॉक्स में देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 4 3 2, तो यहाँ पे जो वेरिएबल के बाजू में जो कोफिशियंट्स है सिर्फ हम उनको लिखेंगे, ओके, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है 3, एंड देन यहाँ पे 2, ओके, यहाँ पे क्या है देखिए एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स, सिंपल, पहला कोफिशियंट एक्स। एंड देन क्या है यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे क्या होगा वाई, ओके, जब हम इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ओके, यहाँ पे क्या है 6 2, एंड देन 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो हमारा इक्वल के लास्ट में राइट हैंड साइड, उसको हम यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे क्या 60 90, एंड देन 70, ओके। यहाँ पे देखिए आपको 3x3 का कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम 2x2 में सॉल्यूशन करते हैं, बस आपको पता रहना चाहिए कि आइडेंटिटी में लोअर और अपर मैट्रिक्स में कहाँ कहाँ जीरो रहता है, ओके। जो आइडेंटिटी रहता है यहाँ पे देखिए, इसका जो डायगोनल रहता है पूरा 1, ओके, और यहाँ पे क्या हमें करना है 0, ओके, यहाँ पे क्या अपर लोअर मैट्रिक्स में 0 किसी एक में ही करना है, ओके, अपर में या फिर लोअर में, जहाँ पे आपको ईजी लगे, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसमें जो अपर मैट्रिक्स है वहाँ पे हम 0 करेंगे। अपर मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे जो 2 है 6, एंड देन यहाँ पे 2, यहाँ पे इनको हमें 0 करना है, ओके। तो कैसे यूज़ करके हमें क्या करना है, जो बाकी के जो एलिमेंट्स है, ओके, यहाँ पे इसमें हमें उसको यूज़ करके इन्हें 0 करना है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवाइड, अपने दिमाग से कौन सा भी यहाँ पे मेथड यूज़ करके इन सब रूल्स का, वो हम यहाँ पे इन दोनों तीनों को 0 में जो है कन्वर्जन वो से हमें करना है, ओके। तो हम यहाँ पे कौन सा जो टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, यहाँ पे जो R1 है R2 है, इनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे R2 यहाँ पे R3। देखिए यहाँ पे हम जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं कर सकते, बिकॉज क्या यहाँ पे देखिए 3x3 का, ओके, और क्या यहाँ पे 3x1 का है, सिंपल। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे, यहाँ पे इसका हम रो ही ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कर सकते हैं, आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ओके। यहाँ पे आपको कॉलम से नहीं जाना है, यहाँ पे देखिए आपको एक ही कॉलम दिया गया, बट यहाँ पे 3 कॉलम है, ओके, तो यहाँ पे 3 रोज है, यहाँ पे भी 3 रो है, इसलिए हम क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से जाएंगे, सिंपल। तो मेन क्या है हमारा, यहाँ पे जो 2 6, यहाँ पे 2, इनको 0 करना है। तो यहाँ पे 2 को पहले हम क्या करते हैं, 0, इसको हम 0 कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना, और 2 को रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कि इसको 0 लाना, ओके, यहाँ पे रो जो 2 है, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते R2 को रो 2 को,
एंड देन क्या करेंगे हम यहाँ पे आर वन से माइनस करेंगे, ओके यहाँ पे फोर है, ये टू इन वन ज़ा टू, ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू, जिससे यहाँ पे इनको माइनस करने का हमें क्या मिल जाएगा ज़ीरो मिल जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे आपको समझना है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसको हमें बस यहाँ पे फर्स्ट लिखना है, आप लिखेंगे आर टू चेंजेस टू, यहाँ पे क्या करना है हमें टू से मल्टीप्लाई, ओके टू इंटू आर टू करना है, एंड देन क्या करना है यहाँ पे हमें माइनस कैसे करना है आर वन से करना है, ओके तो हमारा जो फर्स्ट है उससे हमने बना लिया। तो यहाँ पे आपको कुछ भी करना है यहाँ पे ज़ीरो लाने के, जैसे हमने यहाँ पे इसका जो पक्का कोई थ्रू एक मेथड नहीं है, ओके यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन डिवाइड भी हो सकता है हमें करना पड़े, ओके तो यहाँ पे क्या है आर टू में हमें क्या कर लेंगे यहाँ पे ज़ीरो ला देंगे, एंड देन क्या है हमें यहाँ पे सिक्स में ज़ीरो लाना है, यहाँ पे आर टू कर रहे तो चलिए यहाँ पे आर थ्री में साथ ही साथ चेंजेस जो है कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे देखिए आर थ्री चेंजेस टू, सिंपल आर थ्री माइनस, ओके यहाँ पे क्या करेंगे जो आर थ्री यहाँ पे इससे माइनस करेंगे कैसे, यहाँ पे होगा यहाँ पे लिखेंगे थ्री अपॉन टू, ओके थ्री अपॉन टू, समझिए हमने यहाँ पे ये कैसे किया कि यहाँ पे हमारा ये ज़ीरो आ जाए, ओके बस यहाँ पे हमें ज़ीरो लाने के लिए करना है, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए आर थ्री को जब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे माइनस करेंगे किससे थ्री अपॉन आर टू से, तो ज़ीरो, ओके सॉल्यूशन हम जब देखेंगे तब करेंगे, ओके तो यहाँ पे तब आपको प्रॉपर क्लियरिफिकेशन जो हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए पहले क्या करना है हमको आर टू में चेंजेस करना है, देन आर थ्री में, तो आर वन क्या हमें एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है नीचे। तो यहाँ पे हमने क्या था जो लिखना था आर वन का लिख लिया, चलिए जो इसका मेन को सॉल्यूशन करके यहाँ पे हमें जो आर टू और आर थ्री में लिखना वो करते हैं, यहाँ पे हमें दूसरा बुक लिया इसमें सॉल्यूशन कर लेते हैं, ओके यहाँ पे देखिए इजी भी है आप चाहे मन में ही कर सकते हैं, ओके बट यहाँ पे आपको मैं समझाने के लिए बुक लिया हूँ, सिंपल। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं आर टू चेंजेस टू टू इंटू आर टू माइनस आर वन, ओके आपको बस अब यहाँ पे ध्यान देना है सिंपल। तो यहाँ पे क्या देखिए आर टू यहाँ पे क्या टू आर टू कितना है यहाँ पे देखिए टू है, ओके तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई टू के साथ माइनस कितना है आर वन कितना है यहाँ पे फोर है, ओके तो यहाँ पे ये फोर कितना टू टू ज़ा फोर माइनस फोर कितना हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा टू इंटू फोर हो जाएगा, ओके यहाँ पे ये फोर यहाँ पे क्या माइनस इनका ज़ीरो, ओके तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया देखिए ज़ीरो, सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ज़ीरो, ओके एंड देन क्या यहाँ पे ये यहाँ पे टू यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया लाइन यहाँ पे हमारा ये फिनिश हो गया, एंड देन क्या यहाँ पे ये आर टू में फोर है, ओके आर टू कितना यहाँ पे फोर है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ माइनस करेंगे आर वन कितना यहाँ पे इस पर थ्री है, ओके यहाँ पे ये थ्री तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए फोर टू ज़ा एट हो जाएगा, माइनस करेंगे थ्री के साथ कितना मिलेगा फाइव, ओके तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम फाइव लिखेंगे, एंड देन क्या यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें नीचे क्या करना है यहाँ पे ये टू आर टू कितना यहाँ पे सिक्स है, ओके यहाँ पे ये सिक्स है यहाँ पे सिक्स माइनस आर वन कितना यहाँ पे टू सिक्स हो जा ट्वेल्व माइनस टू करेंगे, ओके तो कितना मिलेगा हमें टेन मिलेगा, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे हमें सिंपल सा कैलकुलेशन करना था एंड देन यहाँ पे पुट कर देना, ओके यहाँ पे टेन हो गया। अब चलिए आर थ्री में क्या चेंजेस करना है देखिए यहाँ पे आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस थ्री अपॉन टू आर वन, ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले आर थ्री कितना देखिए सिक्स है, ओके यहाँ पे सिक्स है क्या करेंगे माइनस कितना है यहाँ पे थ्री अपॉन टू तो थ्री अपॉन टू लिखेंगे, आर वन कितना है यहाँ पे देखिए फोर, ओके तो यहाँ पे ये फोर देखिए यहाँ पे वो लगे यहाँ पे फोर, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टू टू सा यहाँ पे क्या इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे टू टू सा यहाँ पे कितना हो जाएगा टू बचेगा, ओके तो यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं पहले यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या है टू कट गया तो यहाँ पे ऊपर बचा टू, तो इससे क्या होगा यहाँ पे देखिए थ्री टू या सिक्स हो जाएगा तो सिक्स माइनस सिक्स कितना होता है ज़ीरो, तो हमें यहाँ पे भी क्या मिल गया ज़ीरो मिल गया, ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं आर थ्री का यहाँ पे टू लेते हैं टू, सिंपल आपको बस यहाँ पे सिंपल से ध्यान देना है, ओके सॉल्यूशन आप कर लेंगे यहाँ पे क्या ये टू, ओके एंड देन क्या है माइनस क्या थ्री अपॉन टू है
आर वन कितना है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, इसका इंटू 3। ओके एंड देन क्या है यहाँ पे देखिए, आपको इसमें ध्यान देना है क्या होगा, ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा यहाँ पे। ओके 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ओके क्या होगा यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 9 होगा, तो कितना मिल जाएगा हमको, माइनस 5 मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 5 लिखेंगे, सिंपल। देखिए हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, क्या हमने किया है यहाँ पे, 2 हमने लिया तो क्या होगा, 2 इसके नीचे रहेगा। ओके तो यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, 2, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 2। ओके हमने 2 को ध्यान नहीं दिया, क्या ध्यान देना होगा। ओके यहाँ पे आपको जो इसका मेन सॉल्यूशन यही है, जो एलिमेंट में चेंजेस है, एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में के रूल के थ्रू हम जो करते हैं यहाँ पे, उसे हमें यहाँ पे ध्यान से लिखना है। ओके तो यहाँ पे ये हो गया, एंड देन क्या है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे हम, हमारा क्या है बचा ये। ओके क्या है यहाँ पे, हमने फॉर्मल लिखा था R3 - 3/2, यहाँ पे हम लिख लेते, साफ साफ दिखेगा हमें यहाँ पे, 3/2 R1 सिंपल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में 3 कितना है, R3 कितना है, 3 दिया गया, -3/2 R1 कितना दिया गया, 2 दिया गया। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, जो 2 2 अपने आप कट जाएगा। ओके डिवाइड में यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में, और जो यहाँ पे 3 बचा है इसके साथ क्या होगा, -3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। ओके तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 0 मिल गया, सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसका जो मेन सोल्यूशन था कर लिया। ओके तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, तो चेंजेस हैं हमें यहाँ पे, इसमें भी सेम चेंजेस करने पड़ेंगे, सिंपल। देखिए क्यों, यहाँ पे ये R1 यहाँ पे पूरा है, बट यहाँ पे जो XYZ है यहाँ पे एज इट इज़, सिंपल है, बिकॉज ये वेरिएबल्स हैं। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे इनमें भी चेंजेस करना है। ओके चलिए इसी बुक में हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या करना है यहाँ पे, R2 में यहाँ पे पहले क्या लिखते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं हमारा मेन, R2 2 R2 - R1। तो यहाँ पे देखिए R2 कितना है, 90, तो इसको क्या होगा, 90 से मल्टीप्लाई, देन क्या माइनस, यहाँ पे कितना है, 60 है, कितना R1 यहाँ में 60 है। ओके तो यहाँ पे 60, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 6 से, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल क्या मिल जाएगा, 120। ओके 8 - 6 थ्रू कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 18 में से 6 जाएगा तो 12 मिलेगा। ओके तो यहाँ पे 0 एज इट इज, यहाँ पे 120 हमें मिल गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमारा 120 मिला लिख देते। ओके चलिए सेम ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हमने √3 में किया था यहाँ पे, वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे कितना दिया गया, यहाँ पे 70, तो यहाँ पे कितना आते हैं, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ओके एंड देन क्या, -3/2 R1 कितना है यहाँ पे, 60, यहाँ पे 60। ओके तो यहाँ पे हमें देख के पता चलेगा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं हम 70 - 3/2 × 30, सिंपल। यहाँ पे क्या हो गया, 2 हट गया। ओके यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, एंड देन क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, यहाँ पे हम 3 3 ज़ा 9 और 0 हम ऐड कर देंगे, वहाँ रख देंगे 7 7, यहाँ पे 90 - 70, तो यहाँ पे कितना हमें आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, कितना आएगा, -20 मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे -20। देखिए यहाँ पे जो हमारा पूरा सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ, क्या क्या हमें करना है यहाँ पे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या करना रहता है, इसको 0 करना रहता है, इसको 0, एंड देन यहाँ पे इसे भी 0 करना रहता है, तो यहाँ पे ये बचा हुआ है। ओके नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर दें इसको 0 कन्वर्ट करने के लिए। ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चेंजेस इसमें करना है R3 में। ओके R3 में क्या करना है, ये 0 करना था, हो गया, यहाँ पे इसको 0 भी हो गया, यहाँ पे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये 0 करने को बचा है, इसको भी हम 0 करेंगे। ओके तो यहाँ पे किस टाइप का चेंजेस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लिखेंगे हम यहाँ पे, करेंगे चेंजेस R3 में करना है, लिखते हैं यहाँ पे R3 चेंजेस टू, क्या करेंगे यहाँ पे, R3 + 1/2 × R2। देखिए हमने यहाँ पे कैसे लिखा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको
टू से डिवाइड, जिससे यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या माइनस में यहाँ पे हमने प्लस किया, जिससे हमें यहाँ पे ज़ीरो लाने में इजी हो जाएगा, सिंपल। तो चलिए जो चेंजेस हमने लिखा है यहाँ पे वो करते। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो आर टू है, आर वन है, उसे हम पहले एज इट इज़ लिखते हैं, जिससे हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ पर हमें चेंजेस करना है। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं जो हमारे क्या है, R1 एंड R2। ओके, यहाँ पे कितना है, 4, 3, 2 एंड देन X, यहाँ पे 60, यहाँ पे 0, 5, 10, पे Y यहाँ पे 120। ओके, तो चलिए जो चेंजेस हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या R3, यहाँ पे कितना है, 0, फर्स्ट वाला देखते हैं हम यहाँ पे, रफ के लिए यहाँ पे मैंने स्पेस है तो इसे यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या पहले लिखते हैं, यहाँ पे R3 चेंजेस R3 प्लस 1/R2। ओके, यहाँ पे R3 कितना दिया गया, 0 प्लस 1/2, R2 कितना है यहाँ पे, 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए 0 किससे भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। ओके, एंड देन क्या होगा, 0 से हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमें, 0 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, सिंपल। एंड देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या R3 यहाँ पे कितना है, -5/2 है। ओके, यहाँ पे R2 कितना है, यहाँ पे पहले इसको प्लस 1/2, यहाँ पे कितना है, 5, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा 5 × 1, तो कितना मिल जाएगा हमको, 5/2, यहाँ पे ये प्लस में, यहाँ पे माइनस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों दोनों डिवाइड सेक्शन में सेम है, सिंपल। यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, ओके, यहाँ पे माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होकर दोनों ज़ीरो में हो जाएंगे। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये नंबर सेम है, यहाँ पे ये नंबर सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ पे आप इजीली समझ पाते हैं कि यहाँ पे 0 आएगा, वैसे यहाँ पे भी ये ऐसे 0 आएगा। ओके, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं नीचे, यहाँ पे क्या है, R3 यहाँ पे 0 है प्लस, ओके, यहाँ का प्लस 1/2 R2, 1/2 R2 कितना है, 10 है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा तो यहाँ पे 5 होगा, तो 0 प्लस 5 करेंगे, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5 मिलेगा। ओके, यहाँ पे हमने 0 लिखा, क्या 0 प्लस 5 कितना, 5, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ पे z एज इट इज़, एंड देन क्या यहाँ पे -20 है, किसका वैल्यू, R3 का। ओके, हमारा रफ बुक वहाँ पे ज़्यादा नीचे जा रहा था तो हमने दूसरी बुक ले ली। यहाँ पे देखिए हम वही चेंजेस करने हैं, R3 कितना है यहाँ पे, -20 है, एंड देन प्लस 1/2, R2 कितना है यहाँ पे, देखिए 120। ओके, यहाँ पे कितना है, ये 120 है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब समझ जाएंगे कि यहाँ पे भी क्या होगा, डिवाइड होगा, ये कितना हो जाएगा, 120 से ये 60 हो जाएगा। ओके, इसका हाफ हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए -20 प्लस 60, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। ओके, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, हमें यहाँ पे 40 मिल गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40। ओके, तो यहाँ पे हमने 40 लिख लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ध्यान से समझना है, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे इनको मैट्रिक्स बॉक्स में रखना है। ओके, उसके साथ साथ इसका मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो देखिए 4x, यहाँ पे कैसे इनका मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या 4x हो जाएगा ये, एंड देन यहाँ पे x, यहाँ पे साथ में 3y। देखिए यहाँ पे हम नए साइन लिखते हैं प्लस का, तो भी हमें पता चलता है प्लस। ओके, नो इशू, वहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 3y, यहाँ पे 2z। ओके, चलिए नीचे का भी ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 0 है। ओके, तो 0 के साथ अगर x लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0x, अभी 5y, एंड देन 10z। यहाँ पे क्या 0x, 0y, 5z, एंड देन क्या यहाँ पे x, देखिए हमने क्या यहाँ पे गलती कर दी, क्या किया हमने, इसको हम वापस से नहीं लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए हमने इक्वल का साइन नहीं डाला था। ओके, तो यहाँ पे इक्वल का साइन देना है, ये देखिए यहाँ पे हमें अब डायरेक्ट इसे लिखना है। ओके, यहाँ पे हम एक्स नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया है,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 60 लिखेंगे एंड देन 120 एंड देन 40। छोटी छोटी बातें का हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा, अदरवाइज बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ओके चलिए अब हम इसे क्या करते, बाहर निकालते। ओके तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। उसके बाद हम जैसे इक्वेशन लिखते इनको एक एक करके बाहर निकाल के इक्वेशन लिखेंगे। क्या करेंगे हम, आप लिखेंगे कंपेयरिंग कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ओके यहाँ पे चलिए पहला लिखते हैं हम, यहाँ पे हम 4x 3y एंड देन 2z के इसको इक्वल है 60 को। ओके ऐसे एक एक करके आपको लिखना है। यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड एंड थर्ड। ओके तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जीरो वाला नहीं लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ओके तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, जिससे हमारा सॉल्यूशन में और हमें ईजी होगा, सिंपल। तो हमें एक्चुअल में किसके वैल्यू, इनकी वैल्यू चलिए कॉस प्राइज पता चल जाएगी, पेंसिल की पता चलेगी, पेन एंड इरेजर इनकी कॉस प्राइज हम निकल जाएगी अगर हम यहाँ पे एक्स एंड वाई एंड जेड का वैल्यू फाइंड कर लेते। ओके चलिए यहाँ पे हम क्या करते, पहले यहाँ पे हमें जेड का वैल्यू मिल जाएगा इजीली। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ भेजेंगे दूसरी साइड में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन इक्वेशन 3। ओके इन इक्वेशन 3, यहाँ पे इक्वेशन देन यहाँ पे 3, सिंपल। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 5z इक्वल्स टू 40। यहाँ पे जेड यहीं रहने देते, 45 को वहाँ भेजते तो कितना मिल जाएगा हमें, जो जेड का वैल्यू है 8। ओके तो यहाँ पे लिख देते हैं जेड इक्वल्स टू 8। सिंपली हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके तो चलिए अब क्या करते हो, वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जगह तो लिख लेते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, आपको नीचे नीचे करके लिखना है, सिंपल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन लेते हैं, सेकेंड। ओके यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड लिखते क्या है, यहाँ पे 5y प्लस 10z इक्वल्स टू 120, यहाँ पे z। ओके यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ पे z का वैल्यू फाइंड किया था 8, तो जो 5y उसको हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे z के साथ कितना लगेगा, 8। ओके मल्टीपल में यहाँ पे ये 120, सिंपल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5y प्लस कितना 10 इंटू 8 करेंगे तो हमें 80 मिल जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू 120। एंड देन क्या होगा, यहाँ पे जो 8 है यहाँ पे इस साइड जाएगा, प्लस में तो गया वहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ओके इक्वल्स टू 120 माइनस 80। तो यहाँ पे हमें इनको माइनस करने के बाद कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा हमें 40 मिल जाएगा। ओके यहाँ पे 40 एंड देन क्या, यहाँ पे 5y। देखिए यहाँ पे हमें जो सेम सॉल्यूशन यहाँ पे लास्ट का इनका दिख जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5y हम वहाँ भेजेंगे। ओके तो 5y वहाँ जाएगा, क्या होगा, y का जो वैल्यू है हमें वापस से क्या होगा, z के बराबर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा हमें, जो y का वैल्यू है दैट विल इक्वल्स टू 8। ओके यहाँ पे इनको डिवाइड करेंगे तो 8, सिंपल। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे दो वैल्यूज़ है वो फाइंड कर ली, क्या जेड एंड वाई। अब बचा वैल्यू फाइंड करने का एक्स का। ओके अब यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बचा हमारा, अभी इक्वेशन हमारा बचा है फर्स्ट। ओके यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या, 4x प्लस 3y प्लस 2z। यहाँ पे लिखते हैं 4x प्लस 3y प्लस 2z। ओके 2 यहाँ पे नीचे z इक्वल्स टू कितना है, 60 है। चलिए हम यहाँ पे y एंड z का जो वैल्यू है वो पता है कितना है, 8 है। ओके यहाँ पे क्या 4x लिखते हैं, हमें x की वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या, हम डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे पहले जैसे हमने वैल्यू पुट की थी z, यहाँ पे y z की। ओके वहाँ पे आपको ऐसा पुट करना है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं पहले y का वैल्यू कितना है हमारा, 8 है, z का वैल्यू 8 है। ओके तो 8 3 24 होगा, देन यहाँ पे 2 है तो 2 8 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे 60 एंड देन क्या होगा, यहाँ पे इनका एडअप होगा तो हमें कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। ओके यहाँ पे 40 हो गया इनका एडअप, सिंपल। यहाँ पे 60 तो 40 क्या करेंगे, वहाँ पे भेजेंगे, यहाँ पे प्लस में तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या करते हैं, 4x इक्वल टू 60 माइनस 40। ओके यहाँ पे देखिए इनका माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ पे 20 मिल जाएगा। ओके यहाँ पे 4x एंड देन क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो 4 यहाँ पे हम भेजेंगे इसको मल्टीप्लाई में x के साथ तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 20 अपॉन 4
इट विल बी 5। ओके, तो हमें क्या मिल गया, एक्स क्या था हमारा यहाँ पे, पेंसिल था, वाई कितना था हमारा, पेन था, यानी रेजर क्या था हमारा, ओके, जेड। तो इनकी वैल्यूज हमें फाइंड हो गए। तो हमें लास्ट में क्या करना है, सेंटेंस में लिखना, वर्ड में लिखना है, जिससे हमारा जो प्रेजेंट टेंस रहे वो और अच्छा रहे। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, देयर फॉर द लिखेंगे यहाँ पे, देयर फॉर द कोस्ट, द कोस्ट प्राइस ऑफ ईच, क्या हमें कोस्ट प्राइस फाइंड करना था, इनका कोस्ट फाइंड करना था। ओके, यहाँ पे लिखेंगे द कोस्ट प्राइस ऑफ ईच, किसका किसका, पेंसिल का, पेन का एंड इरेजर का, लिखेंगे यहाँ पे पेंसिल, यहाँ पे पेन, और यहाँ पे लिख देंगे एंड इरेजर। ओके, क्या था हमारा, इनका वैल्यू कितनी थी, और कितना पेंसिल का कितना फाइंड, 5 रुपीज़ था ईच, मतलब एक का, एक पेंसिल का कितना वैल्यू है, 5 है। ओके, कितना रुपए का एक पेंसिल, 5 रुपए का, एंड देन क्या यहाँ पे पेन, एक पेन कितने का हमें मिल रहा है यहाँ पे, 8 रुपए का। ओके, यहाँ पे 8 रुपीज़, एंड देन यहाँ पे कितना, एक इरेजर भी हमें कितना मिल रहा है, 8 रुपए का। ओके, तो हमें यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी वो भी फाइंड किया, और यहाँ पे सेंटेंस में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे जो इसका मेन सॉल्यूशन यहाँ पे वो ख़त्म होता है। ओके, तो यहाँ पे हर लास्ट क्वेश्चन के एंड में यहाँ पे आपको सेंटेंस टाइप लिखना ही लिखना है, यहाँ पे आपको मार्क्स कैरी होते हैं। ओके, अदरवाइज़ आप नहीं लिखते तो मार्क्स जो आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे, और उनको लगेगा कि स्टूडेंट को ज़्यादा कुछ नहीं आता, ओनली सॉल्यूशन क्या है बंदे ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ए बी वर्ड प्रॉब्लम दिया गया। चलिए यहाँ पे जिसका फर्स्ट क्या हमारा स्टेप, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हो, और फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या है, यहाँ पे क्या क्या कंसिडर करने, क्या क्या रिक्वायर्ड होगा देखते हैं। इफ 3 नंबर आर एडेड देयर सम इज 2। देखिए यहाँ पे हमें 3 नंबर बोला गया। ओके, यहाँ पे 3 नंबर पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फॉरन सपोज करना पड़ेगा एक्स वाई जेड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेट, सिंपल रिक्वायर्ड नंबर, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 3 नंबर दिया गया, तो हमें क्या रिक्वायर्ड नंबर आर, क्या करते हैं हम, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स। ओके, एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पे सिंपल, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, हमें क्या रिक्वायरमेंट जो थी, 3 नंबर। ओके, तो हमने क्या कर लिया, फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर वाई एंड थर्ड नंबर जेड। आगे देखते हैं यहाँ पे दिया गया, इफ 3 नंबर आर एडेड देयर सम इज 2, ये तीनों नंबर का क्या करेंगे हम, सम करेंगे तो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन जो है बन जाएगा, क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। क्या आपको ध्यान से देखना है, इफ 3 नंबर आर एडेड, ये तीनों नंबर का एडिशन, एडेड देयर सम इज 2। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है हमें, इफ 2 टाइम द सेकेंड नंबर, किस कौन सा सेकेंड नंबर, यहाँ पे आपको ये जो है हमारा वाई सेकेंड नंबर है, इसका क्या है, 2 टाइम, देखिए यहाँ पे दिया गया 2 टाइम द सेकेंड नंबर, लिखते हैं हम यहाँ पे पहले सेकेंड नंबर का क्या है, 2 टाइम। ओके, एंड देन क्या किया, द सेकेंड टाइम द सेकेंड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड। ओके, 2 टाइम द सेकेंड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड, क्या है, माइनस में होगा, सब्सट्रैक्टेड यहाँ पे दिया है मतलब इसका सब्सट्रैक्शन। ओके, फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, किसका सम करेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर, इन तीनों का सम होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम क्या इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, एक्स प्लस जेड। ओके, तो ये किसके बराबर होगा, आगे देखते हैं क्वेश्चन में, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट 8, क्या मिलेगा हमको, 8 मिलेगा। ओके, तो इसको हम पहले क्वेश्चन को इक्वेशन थर्ड बनाते, बाद में इसको अरेंज करेंगे। ओके, यहाँ पे अभी फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम अरेंजमेंट करेंगे। एंड देन देखिए यहाँ पे थर्ड दिया गया, थर्ड इक्वेशन लिखते हैं, इफ 3 टाइम द फर्स्ट नंबर, क्या दिया गया यहाँ पे, इफ 3 टाइम मतलब 3 गुना, कौन से नंबर का, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है, एक्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम, तो 3x, क्या दिया गया, 3 टाइम, तो क्या हो जाएगा, 3x, तो फर्स्ट नंबर इज एडेड, क्या होगा, ऐड होगा।
टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर, किसके साथ ऐड होगा, सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर, सेकेंड और थर्ड नंबर कौन सा है, वाई एंड जेड, वाई प्लस जेड, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, वी गेट फोर, ओके, तो यहाँ पे फोर मिल जाएगा, सिंपल। तो हमें यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, अरेंजमेंट करके लिखना, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स कर देते पहले, एंड देन माइनस टू वाई, एंड देन प्लस जेड इक्वल्स टू एट, ओके, यहाँ पे सॉरी कि हमने जेड है, यहाँ पे हमने टू नहीं जेड, ओके, जिसको है इक्वल एट को, यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, एंड देन ये थर्ड इक्वेशन, ओके। तो हमारा अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो पहले यहाँ पे हम मैट्रिक्स बॉक्स बना लेते हैं, ओके, यहाँ पे देखिए थ्री है, ओके, एक्स वाई जेड है, मतलब थ्री बाय थ्री का जो हमारा मैट्रिक्स बॉक्स है वो बनेगा, ओके। यहाँ पे इक्वल ये क्वेश्चन नंबर थ्री की तरह इसका ये भी बनेगा, तो यहाँ पे देखते पहले क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इसके साथ क्या है, वेरिएबल का कोफिशियंट कुछ नहीं दिया गया, मतलब वहाँ पे क्या वन है, ओके, यहाँ पे क्या होगा, वन होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन, यहाँ पे भी कुछ नहीं है इसका कोफिशियंट के पास, तो यहाँ पे भी वन, यहाँ पे जेड के पास भी नहीं कोई, तो वन, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा, एंड देन क्या होगा, यहाँ पे कितना है, टू, ओके, यहाँ पे ये टू, सिंपल। एंड देन यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे हमने लिखा था इसे, यहाँ पे एक्स के साथ कोफिशियंट के साथ कोई नहीं, मतलब यहाँ पे वन है, यहाँ पे क्या माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे जेड के साथ कोई नहीं, मतलब वन है, ओके, और यहाँ पे वाई, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसका इक्वल किसका, एट है, ओके, यहाँ पे एट। एंड देन क्या यहाँ पे थर्ड इक्वेशन देखें, यहाँ पे थर्ड रो में लिखेंगे क्या, यहाँ पे थ्री है, तो थ्री, यहाँ पे क्या वाई के साथ कोई नहीं, मतलब वन है, यहाँ पे जेड के साथ कोई नहीं, वन, यहाँ पे क्या होगा, जेड होगा वेरिएबल, एंड देन क्या यहाँ पे फोर होगा, ओके। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये तीनों ऊपर के नंबर, यहाँ पे देखिए ये तीनों ऊपर के नंबर या फिर ये नीचे के नंबर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ज़ीरो करना रहता है, ओके, तो उसके बाद हमारा आगे का सॉल्यूशन हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस बार लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, पिछले क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने क्या किया था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूज़ किया था, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको ज़ीरो में कन्वर्ट करना है, इनको ए वन को एंड एन ए वन को ज़ीरो में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस करना है वो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पहला कौन से किस में चेंज करेंगे, हम आर वन में करेंगे, तो यहाँ पे इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करते हैं, हम आर वन माइनस कर देंगे इसके साथ आर टू के साथ, हो गया वन माइनस वन, क्या हमें यहाँ पे ऊपर ज़ीरो मिल जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होगा, आर टू, ओके, एंड देन यहाँ पे सेकंड किस में चेंजेस करना है, यहाँ पे ये आर टू में, ओके, हम यहाँ पे इन दोनों को साथ में चेंजेस कर लेते एंड, तो आर टू में क्या चेंजेस करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आर टू, क्या करेंगे, आर टू माइनस आर थ्री के साथ, ओके, आर थ्री के साथ, यहाँ पे क्या हमें इनको ज़ीरो में कन्वर्ट करना है, कैसे भी, कौन से भी डिवाइडेशन हो, मल्टीपल फॉर्म में करना हो, कौन सा भी मेथड यूज़ करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, जैसे कि हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे हमें इनको कुछ भी करके ज़ीरो में कन्वर्ट करना है, किनको किनको, यहाँ पे देखिए इन तीनों को, ओके, जैसे आइडेंटिटी में हमें यहाँ पे ज़ीरो मिलता है, यहाँ पे डायगोनल क्या रहता है, वन, सिंपल। तो यहाँ पे चलिए हम क्या इनका सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले यहाँ पे मैट्रिक्स बॉक्स बना लेते हैं, ओके, यहाँ पे थ्री बाय थ्री का, एंड देन यहाँ पे एक्स वाई जेड के लिए, एंड देन इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे इसमें भी चेंजेस करना होगा, ओके, राइट हैंड साइड में भी चेंजेस करना होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, चेंजेस देख लेते हैं, आर वन में क्या, आर वन माइनस आर टू, देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर चेंजेस करेंगे इसको इसके साथ माइनस करेंगे, बट यहाँ पे हम देखिए अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे वन माइनस वन करते तो हमें यहाँ पे एक ही ज़ीरो मिलता है, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए वन को ए वन के साथ माइनस करेंगे और ए वन को ए वन, तो हमें तीनों ज़ीरो चाहिए, ओके, तो हमें इससे क्या होगा, तीनों ज़ीरो मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर वन माइनस आर टू था यहाँ पे, तो आर वन माइनस आर थ्री कर देंगे, ओके, यहाँ पे चेंज, सिंपल, जिससे हमें क्या होगा, एक ही साथ क्या होगा, दो ज़ीरो मिल जाएंगे।
ओके तो एट द एंड हमें यहाँ पे ए बी ज़ीरो मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे आर टू माइनस आर थ्री करेंगे। ओके तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं क्या, वन माइनस थ्री करेंगे तो कितना होगा, माइनस टू होगा। ओके यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे वन माइनस वन ज़ीरो, यहाँ पे वन माइनस वन कितना होगा ज़ीरो। ओके तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ज़ीरो मिल गया। एंड देन क्या करना है, आर टू में चेंज करना है। ओके आर टू में आर टू माइनस आर थ्री, यहाँ पे इसको इससे मैंने कहा मतलब वन माइनस थ्री करेंगे यहाँ पे, तो वन माइनस थ्री, तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा, माइनस टू मिलेगा। यहाँ पे क्या है, माइनस टू माइनस वन, ओके माइनस टू माइनस वन माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना मिल जाएगा, माइनस थ्री मिल जाएगा। ओके यहाँ पे वन माइनस वन ज़ीरो मिल जाएगा। एंड क्या, आर थ्री में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो आर थ्री यहाँ पे एज इट इज़। ओके यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, सिंपल। चलिए हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में चेंज कर लिया, राइट हैंड साइड में पहले यहाँ पे लिख देते एक्स वाई जेड। ओके यहाँ पे ये जेड, यहाँ पे भी क्या है, आर वन माइनस आर थ्री। ओके आर वन माइनस आर थ्री मतलब टू माइनस फोर, तो कितना मिलेगा, माइनस टू मिलेगा। ओके एंड देन क्या है, यहाँ पे आर टू माइनस आर थ्री मतलब एट माइनस फोर, अब एट माइनस फोर करेंगे कितना मिलेगा, फोर मिलेगा। और यहाँ पे आर रो थ्री को एज इट इज़ लिखना है, तो यहाँ पे रो थ्री का फोर एज इट इज़। ओके अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड था, यहाँ पे तीन ज़ीरो लाने थे, सिंपल। हमें यहाँ पे क्या करने थे, तीन ज़ीरो लाने थे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ये कितने का है, थ्री बाय थ्री का है, और यहाँ पे थ्री बाय वन का है। ओके चलिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करते, देखिए हम यहाँ पे थ्री बाय वन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके तो यहाँ पे थ्री बाय थ्री मतलब रो टू रो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको, नेक्स्ट स्टेप में। ओके यहाँ पे पहले मैट्रिक्स बॉक्स बना लेते हैं, सिंपल यहाँ पे ये। ओके तो यहाँ पे इसका इसके साथ एक्स का इस रो फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा, वाई का रो टू में, नहीं यहाँ पे ऐसा देखिए, पहले का माइनस टू का एक्स के साथ ज़ीरो का, वाई के साथ ज़ीरो का, वाई के साथ इनका यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ओके माइनस टू का यहाँ पे एक्स के साथ, माइनस टू का, माइनस थ्री का वाई के साथ, ज़ीरो का जेड के साथ। ओके देखिए हम क्या यहाँ पे कैसे लिखेंगे, माइनस टू एक्स एंड देन ज़ीरो वाई, देखिए देखिए यहाँ पे ज़ीरो वाई। ओके यहाँ पे कुछ नहीं साइन, तो एडिशन का साइन, सिंपल। यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो जेड होगा। ओके एंड देन यहाँ पे क्या होगा, माइनस टू एक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस थ्री वाई होगा, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, प्लस ज़ीरो जेड होगा। ओके यहाँ पे जेड ऊपर ही हमने नीचे लिख दिया, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे क्या होगा, थ्री है तो क्या होगा, थ्री एक्स होगा, प्लस का साइन, वन है तो क्या, सिर्फ वाई करेंगे तो मतलब इसके साथ क्या, इसका नंबर वन है। ओके एंड देन यहाँ पे क्या होगा, जेड। ओके यहाँ पे बचा होगा माइनस टू फोर एंड देन फोर। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, कंपेयरिंग बोथ साइड, और इनको बाहर निकालेंगे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ओके यहाँ पे मैट्रिक्स बॉक्स के बाहर निकालना है हमको नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे लिखते कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग विथ, यहाँ पे सॉरी कंपेयरिंग बोथ साइड। ओके किसी के साथ हमको कंपेयर नहीं करना दोनों को, कंपेयरिंग बोथ साइड। ओके अब नेक्स्ट स्टेप क्या, इनको हाँ इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ज़ीरो वाई ज़ीरो जेड है उसको नहीं लिखेंगे इक्वेशन में, इट विल बी ओके। ओके यहाँ पे हमने तीनों नंबर जो लिख लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, ये वाला, तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे, पहले नीचे लिखते हैं टू एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो माइनस टू है उसको यहाँ पे लिखे जाएंगे। ओके यहाँ पे क्या, इसके साथ मल्टीपल के फॉर्म में एक्स के साथ, तो वहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके यहाँ पे माइनस टू अपॉन माइनस टू,
इसको डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, टू टू कट हो जाएगा कितना, वन ज़ा। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का वैल्यू कितना हमें मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू हमें यहाँ वन मिल गया। ओके ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन टू करना है। ओके तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, यहाँ पे फर्स्ट था तो सेकेंड इक्वेशन। ओके यहाँ पे क्या इक्वेशन पहले लिखते हैं, माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड किया था तो यहाँ पे पुट करते हैं। ओके कितना था, वन, तो यहाँ पे वन पे माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर, यहाँ पे क्या माइनस टू इंटू वन तो क्या होगा, माइनस टू ही। ओके पे माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर, यहाँ पे क्या देखिए, ये माइनस टू है। ओके यहाँ पे जाएगा तो माइनस में यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर प्लस टू हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा देखिए, माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर प्लस टू सिक्स, सिंपल। एंड देन क्या है, यहाँ पे माइनस थ्री जो वहाँ पे जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, यहाँ पे वाई के साथ मल्टीपल के फॉर्म में यहाँ पे नीचे जाएगा। ओके यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री टू सा। ओके यहाँ पे थ्री टू सा तो दे फॉर्म में क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू टू और ये माइनस का साइन। ओके तो वाई का कितने वैल्यू मिल गया हमको, माइनस टू मिल गया। अब यहाँ पे जेड बचा है फाइंड करने के लिए। ओके हमने यहाँ पे एक्स वाई फाइंड कर लिया, अब जेड की पारी। तो यहाँ पे क्या हम यहीं पे लिख लेते हैं, आपको देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पे मैं आपको बस समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। आपको यहाँ पे फ्रॉम वन करके यहाँ पे इतना लिखना, बाद में इसके नीचे यहाँ ये नीचे, बाद में वो जेड का इसके नीचे। ओके तो यहाँ पे चलिए हम लिखते हैं फ्रॉम कौन सा, थर्ड इक्वेशन। आपको देखिए मैं यहाँ पे इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ओके यहाँ पे मैं फिर भी फुल में लिख देता हूँ। ओके अब क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन थ्री को लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू फोर प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू फोर। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास एक्स का वैल्यू यहाँ पे वन है एंड क्या है, वाई का वैल्यू माइनस टू, तो उनको वैल्यू से जो पुट करते हैं यहाँ पे, तो एक्स के साथ क्या रखते हैं, यहाँ पे वन रखते हैं सिंपल। एंड देन प्लस और यहाँ पे क्या है, माइनस टू है। ओके जेड का वैल्यू इससे क्या होगा, हमें फाइंड होगा, सिंपल। एंड देन इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थ्री इंटू वन क्या थ्री, यहाँ पे क्या होगा माइनस है तो यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा। ओके यहाँ पे प्लस क्या जेड इक्वल्स टू फोर। ओके यहाँ पे ये जो नो दो थ्री माइनस टू है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम इसका इसका सॉल्यूशन कर देंगे, थ्री माइनस टू करेंगे कितना आएगा, वन। ओके तो यहाँ पे क्या प्लस जेड इक्वल्स टू फोर, अब यहाँ पे क्या जो वन है प्लस में वहाँ पे जाएगा तो माइनस में जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या करते हैं, जेड इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे हर एक में आपको देयर फोर का साइन लगाते चलना है। ओके हमने यहाँ पे नहीं लगाया तो मिस्टेक हमारा, बट हमको जो देयर फोर का साइन है वहाँ पे सब में लगाना है, सिंपल। पहले देयर फोर का साइन लगा लेते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम पीरियड आपको इसको यूज़ करना है, पूरे फुल फॉर्म में जो सॉल्यूशन है वो करने है, जिससे आपको हैबिट हो जाएगा। ओके और आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे चलिए क्या करते हैं, फोर यहाँ पे क्या वन माइनस में होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे फोर माइनस वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो हमारा जो जेड का वैल्यू था वो भी हमें मिल गया, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू, यहाँ पे वाई का वैल्यू, जो हमें थ्री रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करने थे वो हमने फाइंड कर लिए। तो लास्ट में आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखना है देयर फॉर रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या क्या है, यहाँ पे एक्स कितना है वन है, एंड देन क्या वाई माइनस टू, एंड देन क्या हमारे ये जेड कितना मिला हमको, थ्री मिला। ओके यहाँ पे माइनस एंड देन यहाँ पे थ्री, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन था वो हो गया, जो हमें तीन रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करने थे वो भी हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे आपको लास्ट में स्टेटमेंट में ऐसे लिखना है, इस पर भी हमें मार्क्स कैरी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये भी हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, बट ये बाकी सबसे थोड़ा अलग है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। आइए क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV सेट, क्या बोला गया हमें? द टोटल कॉस्ट, ओके, किसका कॉस्ट? 3 TV सेट मतलब 3 TV सेट का, और 2 VCR। VCR क्या था? वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, ओके, पहले टाइम आता था ना रील वाला, वो यहाँ पे बताया गया है, इस रुपीज़ 35,000, 35,000 का। ओके, तो इनका कॉस्ट कितना बताया गया यहाँ पे? 3 TV सेट का और 2 VCR का। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले इन दोनों का कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए पहले इनका अजम्पशंस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस किसका किसका, टीवी सेट एंड वीसीआर, टीवी सेट्स एंड वीसीआर। ओके, क्या करेंगे, बी एक्स एंड वाई इसके आगे रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे आपको रेस्पेक्टिवली लिखना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, टीवी सेट और वीसीआर को क्या कर लिया हमने, अज्यूम कर लिया एक्स एंड वाई, जो कि हमें एक टीवी सेट का वैल्यू फाइंड करना है और एक वीसीआर का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पहला इक्वेशन भी मिलता है, तो यहाँ पे क्या है, 3 TV सेट, 3 TV सेट मतलब 3x, 3x एंड 2 VCR प्लस 2y इज रुपीज़ 35, मतलब क्या, इन दोनों का पूरा जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 35,000 है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो बन गया सिंपल। चलिए आगे का जो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान से देखते हैं, आपको देखिए ध्यान से समझना है, मैं आपको यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, द शॉप कीपर वॉन्ट प्रॉफिट, जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है बेचने वाला सामान को, वो प्रॉफिट चाहता है। ओके, यहाँ पे उसको प्रॉफिट चाहिए ऑफ 1,000 पर टेलीविज़न, 1,000 पर मतलब हर एक टीवी पे कितने का फ़ायदा चाहिए उसको, 1,000 का फ़ायदा चाहिए। किस पे? सेलिंग प्राइस में, जब भी वो बेचेगा किसी ग्राहक को हर एक टीवी सेट पे कितने का फ़ायदा चाहिए उसको, 1,000 का। ओके, तो यहाँ पे हम क्या नीचे लिखते, पहले सेलिंग प्राइस ऑफ 1 TV, ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ कितने का, 1 TV का। ओके, हर एक पे उसको कितना, 1 TV सेट का हर एक पे उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, 1,000 का। और उसके पहले क्या, हमारा जो एक्स जो हमारा एक्स है यहाँ पे, ये क्या है, हर टीवी सेट का कॉस्ट प्राइस वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस क्या करेंगे हम, 1,000 करेंगे, तो जो ग्राहक को कितने रुपये में बेचेगा ये हमको सेलिंग प्राइस एट द एंड हम निकाल लेंगे। ओके, और क्या है, यहाँ पे हमने टीवी सेट का कर लिया, उसको 1 TV सेट का चाहिए था। ओके, एंड क्या है उसके बाद देखिए, एंड रुपीज़ 500 पर VCR, उसको हर एक सेलिंग प्राइस में कितने का प्रॉफिट चाहिए, एक एक VCR पे, पर VCR 500 रुपीज़ का। ओके, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसे किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे ऐसे, सेलिंग प्राइस ऑफ कितना, 1 VCR इक्वल्स टू यहाँ पे वाई प्लस 500। ओके, उसको प्रॉफिट कितने का चाहिए, 500 का, और वाई का यहाँ पे 1 VCR की कॉस्ट प्राइस होगी। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे, ही कैन सेल 2 TV सेट, वो कितना टीवी सेट बेच सकता था, 2 TV सेट बेच सकता था। ओके, एंड 1 VCR कितना वो बेच सकता था, 2 TV सेट और 1 VCR। द टोटल रेवेन्यू एज रुपीज़ 21,500, 21,500 रुपये का उसको इतना बेचने का क्या प्रॉफिट होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो इक्वेशन हमें बनाना है वो कैसे होगा, बनाते हैं हम प्लस उसका जो प्रॉफिट है उसके साथ। ओके, यहाँ पे कितना दिया गया, 2 TV सेट, 2 TV सेट का यहाँ पे 2। ओके, यहाँ पे क्या है, ये इसका सेलिंग प्राइस प्लस इसका सेलिंग प्राइस के साथ, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं एक्स प्लस 1,000। ओके,
एंड देन क्या उसको कितना VCR, एक ही VCR वहाँ पे बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Y+500, कितना उसको प्रॉफिट मिलेगा ये बेच के 21,500 या फिर 20 तक होने के बाद। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 है इसको अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो यहाँ पे 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1000 तो 2000 हो जाएगा। ओके और ये एज इट इज़ यहाँ पे नीचे ले लेंगे हम +Y+500 एंड देन यहाँ पे 21,500। इसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2000 यहाँ पे 5000, यहाँ पे क्या करेंगे हम इनका ऐड कर देंगे इनको 2000+500 2500। ओके तो यहाँ पे क्या करते हैं हम पहले 2x पहले लेते हैं यहाँ पे, फिर हम therefore का साइन लगा देते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके यहाँ पे 2x+y यहाँ पे 2000+500 कितना हो गया 2500। ओके यहाँ पे क्या 21,500। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो 2500 है यहाँ पे हम लेके जाएंगे 21,500 से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके यहाँ पे therefore का साइन, यहाँ पे 2x+y=21,500-2500। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19,000 आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लिखेंगे 2x+y=19,000। ओके तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया इक्वेशन 2 हो गया, और यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 और 2 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप इक्वेशन मिलेगा क्या होता है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। ओके चलिए लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, पहले मैट्रिक्स बॉक्स बनाते हैं यहाँ। ओके यहाँ पे देखिए हम कितने का बनाएंगे 2x2 का बनाएंगे। ओके यहाँ पे हमें एक्स वाई दिया गया सिर्फ, यहाँ पे इक्वल जो एक सामने। ओके यहाँ पे इक्वल में हम किसको लिखेंगे इसको एंड इसको लिखेंगे। ओके तो यहाँ पे पहला इक्वेशन यहाँ पे हम पुट करते हैं, कैसे होगा यहाँ पे इसका वेरिएबल के साथ जो कोफिशियंट्स है उसको हम सिर्फ लिखेंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 एंड देन यहाँ पे क्या होगा पहले एक्स आएगा नीचे वाई आएगा। ओके और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का 35,000। ओके एंड देन इसके नीचे क्या होगा सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड रो में लिखेंगे हम क्या 2, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे देखिए पहले 2 लिख देते y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 सिंपल एंड देन यहाँ पे क्या 19,000 तो 19,000 एज इट इज़। तो हमने अभी इसे क्या कर लिया हमारा नेक्स्ट टाइम क्या था मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना तो वो हमने कर लिया। अब हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूज़ करके यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी एक जगह पे क्या करना हमको 0 लाना है। ओके तो हम क्या करने वाले इस बार लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या है इसको 1 को यूज़ करके यहाँ पे हम 2 के जगह सिंपली 0 लेके आ जाएंगे। कैसे देखिए यहाँ पे हम क्या किस में पहले चेंजेस करेंगे R1 में चेंजेस करेंगे। ओके यहाँ पे लिखते R1 चेंजेस R1 माइनस इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 2 × 2 यहाँ पे बाद में उसको माइनस कर देंगे R1 से तो हमें मिल जाएगा। ओके यहाँ पे 2 × R2 कर देंगे सिंपल। यहाँ पे चलिए नीचे लिखते हैं क्या क्या हमने चेंजेस किया उसको हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। यहाँ पे पहले मैट्रिक्स बॉक्स बना लेते हैं सिंपल। अब करिए क्या चेंजेस करना है जो करते हैं क्या R1 माइनस मतलब 3 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 के साथ क्या होगा 2 R2 में 2 के से मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 = 4 मतलब क्या हो जाएगा 3 − 4। अब 3 − 4 होगा तो −1 आएगा। ओके तो यहाँ पे −1 यहाँ पे क्या होगा देखिए 2 × यहाँ पे देखिए मैंने बताया था 2 − 2 × 1 क्या मतलब 2
टू माइनस टू तो कितना होगा ज़ीरो। ओके तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया। एंड देन क्या करना है हमें, नीचे में कोई चेंजेस नहीं करना, उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं पहले। टू वन यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे सेम ही हो गए, यहाँ पे कोई ऊपर नीचे या फिर कोई और वेरिएबल नहीं आने वाला। चलिए यहाँ पे भी सेम चेंजेस करते हैं। हमने क्या करना है यहाँ पे, आर वन कितना है 35 है, 000 माइनस कितना यहाँ पे देखिए 19। ओके अब 19 का डबल करेंगे कितना होगा 38, यहाँ पे क्या होगा 38,000, 000 यहाँ पे एज इट इज़। ओके क्या होगा यहाँ पे 35 माइनस 38 करेंगे यहाँ पे 000 समझिए यहाँ पे हमने लिख लिया, तो कितना फ़र्क होगा 3 का, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या हो गया हमें मिल गया 30 यहाँ पे प्लस 20। ओके तो यहाँ पे क्या करते 3000 मिल गया तो लिख लेते। एंड देन क्या हमारा यहाँ पे हमें आर टू में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो आर टू जो पूरा रो एज इट इज़। ओके तो यहाँ पे 19,000 एज इट इज़ लिख देते हैं। अब क्या करना है हमें, जो हमारा मेन था क्या हमें लाना था, अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो लाना था, तो हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूज़ करके उसमें ज़ीरो ला दिया। ओके तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे इसका एंड इसका ओके मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ जो 3000 इसके साथ माइनस भी आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो 38,000 वो 35,000 से बड़ा, यहाँ पे इसके बाद माइनस का साइन है। ओके तो यहाँ पे जो माइनस है वो नीचे आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो 38,000 है वो बड़ा नंबर। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3000 आएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो इनका मल्टीपल करना था वो कर लेते फटाक से। यहाँ पे क्या, यहाँ पे इक्वल यहाँ पे ये लिखा आएगा। ओके बिकॉज यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे चलिए देखते क्या होगा, यहाँ पे एक्स इंटू माइनस वन कितना होगा माइनस वन एक्स। ओके यहाँ पे क्या जीरो, यहाँ पे वाई जीरो वाई। ओके एंड देन क्या यहाँ पे टू एक्स, तो यहाँ पे टू और इसका एक्स, यहाँ पे वन यहाँ पे वाई, यहाँ पे वन यहाँ पे वाई। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन नहीं लिखेंगे, नो इशू। ओके एंड यहाँ पे क्या माइनस 3000 वो लिख लेते हैं, माइनस 3000 एंड क्या है 19,000। ओके अब क्या हमारा लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड, और इनको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। ओके लिखते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड। ओके यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे माइनस है एंड माइनस वन क्या इंटू एक्स है। अगर यहाँ पे हम सिर्फ माइनस एक्स नीचे लेते ओके तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे क्या प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं नंबर तो प्लस है। ओके यहाँ पे ज़ीरो वाई, तो ज़ीरो इंटू वाई कितना आएगा ज़ीरो आएगा, एट द एंड क्या हमें मिलने वाला है ज़ीरो, तो वहाँ पे हम इसे नहीं लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ओके एंड देन क्या इसके इक्वल में क्या है, यहाँ पे रो वन में माइनस 3000, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 3000, और ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। ओके तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले, अब चलिए यहाँ पे पहले आर टू भी लिख लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा देखिए 2x एंड देन क्या y, तो क्या सिर्फ y लिखेंगे, 1y की जगह y, नो इशू। इक्वल्स टू क्या 19,000, ये क्या हमारा हो जाएगा इक्वेशन टू हो जाएगा। ओके यहाँ पे क्या करना है, अब हमें x पहले फाइंड करना है, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। आप क्या करते हैं पूरा इक्वेशन यहाँ नीचे उतारते हैं, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3000। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, जो माइनस माइनस है क्या होगा कट जाएगा। ओके तो यहाँ पे हमें जो एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, सिर्फ 3000 मिल जाएगा। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, जो एक्स था उसको हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम वाई भी फाइंड कर लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ओके यहाँ पे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन उसे लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19,000।
यहाँ पे देखिए हमने एक्स का वैल्यू फाइंड किया कितना है 3000, तो यहाँ पे इसके साथ 2 इंटू यहाँ पे 3000 पुट करेंगे प्लस वाई इक्वल्स टू 19000। देखिए यहाँ पे आपको सब में क्या करते जाना है, देयरफॉर का साइन लगाना है। ओके यहाँ पे हमने ले लिया पर आपको लगाना है। यहाँ पे इसके बाद क्या है 2 × 3000 तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। ओके यहाँ पे इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा मतलब क्या, तो 3000 का डबल प्लस वाई इक्वल्स टू 19000 क्या होगा, यहाँ पे जो 6000 है और यहाँ पे 19000 यहाँ पे जाएगा प्लस में। ओके यहाँ पे क्या है प्लस में, वहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए वहाँ लेकर जाते हैं और हमारा क्या होगा, इससे वाई का वैल्यू कितना है पता चलेगा। यहाँ पे 19000 माइनस 6000, ओके इसे माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 13000। आप माइनस करके देखिए यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 13000 मिल जाएगा। ओके देयरफॉर द वैल्यू ऑफ वाई क्या मिल गया हमको, यहाँ पे 13000 मिल गया। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि जो एक्स हमारा है ओके ये किसका वैल्यू है, हमारा टीवी सेट का कॉस्ट प्राइस कितना था वो हमने निकाला। वाई क्या था हमारा वीसीआर का कॉस्ट प्राइस वो हमने निकाला। तो देखिए जो दुकानदार था उसको बेचना कितने में था, जो हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट कितना था एक्स प्लस 1000। अब हमें यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ये एक्स और यहाँ पे प्लस 1000 मतलब क्या, यहाँ पे जो एक्स हमने फाइंड किया है उसमें क्या कर देंगे 1000 जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस किसका मिल जाएगा टीवी सेट का। वैसे यहाँ पे इसमें क्या था 500 वाई के साथ जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, जो सेलिंग प्राइस वीसीआर का था वो मिल जाएगा। ओके तो चलिए सेलिंग प्राइस निकालते हैं, उसके पहले हम क्या कर रहे हैं इनका जो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड किया है दोनों का उसको सेंटेंस में लिखते हैं एंड देन उसके बाद क्या करेंगे सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। ओके यहाँ पे कॉस्ट प्राइस किसका पहले लिखेंगे टीवी सेट का। ओके इज रुपीज़ कितना होगा, हमने यहाँ फाइंड किया था एक्स का वैल्यू 3000। ओके तो यहाँ पे कितना मिल गया 3000 एंड क्या एंड कॉस्ट प्राइस, देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी यहाँ पे टेढ़ी हो गई आपको समझ के लिखना। ओके यहाँ पे हमने कॉस्ट लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ वी सी आर कितना हो गया हमें यहाँ पे 13000। ओके यहाँ पे इसका प्राइस कितना है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 13000 है जितने में दुकानदार ने होलसेलर से ख़रीदा था। ओके अब क्या करते हैं यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं यहाँ पे पहले लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं किसका सेलिंग प्राइस ऑफ वन टीवी सेट, सेलिंग प्राइस ऑफ वन टीवी सेट। ओके कितना होता है एक्स प्लस 1000 इतने में उस दुकानदार को भेजना था तो हम यहाँ पे तो अब हम यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है उसको पुट करेंगे। ओके तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड की थी 3000, तो यहाँ पे पुट करते इसे 3000 यहाँ लिखते 3000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा ये 4000। ओके तो हमें यहाँ पे जो टीवी सेट का सेलिंग प्राइस निकालना तो हमें मिल गया। ओके तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 4000 और दूसरा किसका निकालना है वीसीआर, चलिए यहाँ लिखते हैं किसका सेलिंग प्राइस ऑफ वन वीसीआर, वीसीआर कितना था इसका यहाँ पे y प्लस 500। ओके जो दुकानदार ने कितना बोला था इसका उसको कितना प्रॉफिट चाहिए हर वी सी आर पे 500 का। ओके तो यहाँ पे y कितना हमने फाइंड किया है यहाँ पे 13000 सिंपल, तो यहाँ पे 13000 प्लस 500 कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर हम इसको ऐड अप करते 13500 हमें मिलेगा। ओके यहाँ पे 13000 यहाँ पे ये 500 ओके यहाँ पे 5 है कितना यहाँ पे 5 यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ। ओके तो यहाँ पे जो हमें दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी थे वो हमने कर ली, यहाँ पे जो इसका पूरा सॉल्यूशन था वो भी हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जो पूरा फिनिश होता है और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।